वन परिक्षेत्र बिरसा के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1706 धोपगढ़ बिट राजस्व ग्राम बोरी में दबंगों के द्वारा वन विभाग को खुली चुनौती देकर दो सालों से वन भूमि पर लगातार खेती की जा रही है। दबंगों ने लगभग 150 से 200 एकड़ वन भूमि पे कब्जा कर जंगल में घर बनाकर खेती की जा रही है, लेकिन वन अमला इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मिली सूचना के अनुसार वन विभाग को अतिक्रमण के बारे में जानकारी है, लेकिन वे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वन विभाग के उदासीनता के चलते दबंगों का हौसला बढ़ते जा रहा है। गांव की जनसंख्या लगभग 1000 है, जिसमें 300 घर आते हैं। इसी गांव के दो परिवारों ने गांव की वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं। इस अतिक्रमण को वन विभाग द्वारा नहीं हटाए जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और आगामी समय में उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। हमारा ये समस्या भी है कि यहाँ से अतिक्रमण हटने से वन विभाग को ये 8-9 लोग अतिक्रमण करके रखे हैं। कितने एकड़ जमीन को अतिक्रमण करके रखे हैं? 150 एकड़ जमीन को। अच्छा, इसमें पूरे कब्जा कर चुके हैं? पूरा कब्जा कर चुके हैं। क्या इसमें खेती कर रहे हैं लोग? जी खेती कर रहे हैं, 2 साल हो गया। 2 साल से खेती कर रहे हैं जी सर। इसमें वन विभाग अभी तक कौन सी कार्रवाई की? हम लोग DFO साहब, रेंजर साहब और बीट गार्ड को सबको हम दे दी है, लेकिन कोई शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो क्या वन विभाग इसमें कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। अतिक्रमण हटाना है, फॉरेस्ट वाले लोग हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हम जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम झूठी आरोप में हमको फंसाते हैं, गांव वाले को कोई सुनाई नहीं करते हैं और 100-150 एकड़ जमीन पकड़े हैं और छोड़ते नहीं। तो अतिक्रमण बीट क्रमांक 1706 के अंतर्गत मतलब वन मंडल अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी सभी को विगत 2 वर्षों से मौखिक और लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर उचित कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और गांव के 5-6 दबंगों द्वारा 150 एकड़ जमीन को कब्जा करके वन समिति के ऊपर आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।